हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल डिफेंस मैनिया, वन स्टॉप फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट लेके आया हूँ। बहुत लोगों को डाउट होता है कि भाई सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आपके एफकेट का, जो कि आपको मेरिट में लेके आ सके, और एफएसबी में कैसे अच्छा स्कोर करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा, जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया पेपर उन सबके लिए, और जिन्होंने क्वालिफाई किया उन सबके लिए, हमने अपना डेली ऑनलाइन क्विज जो है सबके लिए लॉन्च किया है। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सेफ स्कोर फॉर मेरिट के लिए। तो अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, तो आपको मैं बता दूं कि एफकेट के एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं आपके एफएसबी में, और एफएसबी का मार्क्स भी। बट जो एफएसबी का मार्क्स हैं उनका जो रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है मेरिट में। इसीलिए ये देखा गया कि लास्ट ईयर अभी जो मेरिट आई थी, जो बच्चे अकेडमी गए हैं उनमें जिन बच्चों ने कट ऑफ पास की थी वो भी मेरिट में गए हैं। इसका मतलब कि आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जिसके 200 हों वो एफएसबी में अच्छा परफॉर्म ना करे और पीछे रह जाए, और आप जस्ट 154 या 153 लेके भी अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाओ। तो बेसिकली अभी आपको फोकस कहाँ करना है, एसएसबी पे। सारी टेंशन छोड़ के आपको एसएसबी के लिए लग जाना है, क्योंकि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको एसएसबी पे पूरा फोकस करना है। अब भाई आपको अपने एफएसबी में स्कोर बढ़ेगा कैसे, वो कौन बताएगा कि भाई आपका स्कोर अच्छा आएगा कैसे? तो इस एफएसबी में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका OIR, दैट इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। OIR में अच्छा स्कोर करोगे तो एफएसबी का स्कोर यूं बूस्ट हो जाएगा। मतलब कि ये सबसे अच्छा और सबसे इजी वे है आपको एफएसबी का स्कोर बढ़ाने का। OIR का जो स्कोर होता है वो आपके एफएसबी के स्कोर में काउंट होता है। एक तो वो हो गया कि आपने OIR की अच्छी प्रैक्टिस कर ली और आप जाके वहाँ पे, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपको OIR की प्रैक्टिस जो है वो करनी कैसे। और दूसरा, जो आप करेंट अफेयर या फिर जो GD का पॉइंट होता है ना, जो आपका मतलब कि ओवरऑल प्रोसीजर, जो आपका अच्छा, जो आपके टेस्ट अच्छे जाते हैं वहाँ पे आप अदर कैंडिडेट से अच्छा परफॉर्म करते हो। मान लो 60 वैट है वर्ड, और उसमें आपने 60 में 60 किए तो यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। 60 60 या यहाँ पे आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए तो इन सब में आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। GD में आप अच्छे पॉइंट रखते हो, इंटरव्यू में अच्छे जवाब देते हो, तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपके जो FSB का स्कोर है वो इंक्रीज होता है, इससे कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब कि अगर आपके 153 भी इस बार आए हों तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम जिस बंदे का 144 भी आया था वो भी अच्छी तरह से, मतलब उसको लॉजिस्टिक ब्रांच में परमानेंट कमीशन मिला था। सो ये चीज़ें हैं कि अभी एफएसबी का जो स्कोर है, सभी कहते हैं ये कि जो एफएसबी का मार्क्स हैं वो काफ़ी काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है। अब आपको अगर आपका एफकेट का स्कोर लो है तो आपको अपने एफएसबी पे फोकस करना है। अगर आप एफएसबी में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको मेरिट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मैं हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई क्या करें आखिर OIR को इम्पॉर्टेंट, और OIR को अभी से स्ट्रॉन्ग करने के लिए या करेंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आखिर करें क्या डेली बेसिस पे। तो आपके लिए एक सोल्यूशन ये है कि हमने अपना जो है वो, अभी आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो डेली प्रैक्टिस के लिए हमने केवल 10 रुपीज़ का 1 साल के लिए आपका कोर्स लॉन्च किया हुआ है। कंप्लीट 1 साल आपको मिलेगा, जिसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, GK होगा एंड करेंट अफेयर। टोटल 5 सब्जेक्ट्स के डेली 10 10 क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन मैथ्स के आपको ऑनलाइन हमारे ऐप पे मिलेंगी केवल 10 रुपीज़ में, जो कि 1 साल के लिए होंगी। तो ऐप का लिंक आप सबको पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिफेंस मैनिया सर्च कर सकते हो और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स में जाके इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और फ्री इसलिए मैंने कहा कि जो स्टार्टिंग के 20 बच्चे होंगे जो अभी इनरोल करेंगे, उन सबका जो पैसे होंगे वो ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएंगे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपको आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको रैंकिंग भी दिखेगी अपनी, ऑन टाइम प्रैक्टिस भी होगी। तो आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट करेंट अफेयर प्रैक्टिस कर लोगे, और आपको डेली 10 क्वेश्चन रीजनिंग के नए नए मिलते रहेंगे, वो भी 1 साल तक, मतलब कि आपके OIR की प्रैक्टिस भी साइमल्टेनियसली हो जाएगी। तो आप सबको पता है हमारे ऐप के बारे में, आप हमारे ऐप को देख सकते हो। अब आप हमारे ऐप के कंटेंट को लैपटॉप पे भी खोल सकते हो, आपको बस defensemania.com खोलना है, ORG कोड मांगे तो वहाँ पे DMN डाल देना और अपने वीडियो को एक्सेस करो, टेस्ट को अपने लैपटॉप पे भी दो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी क्विज का अपडेट मिल जाए, कि वो 10 RS में परचेस कर सके 1 साल के लिए, और दोस्तों को भी बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।